उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में जारी परिणाम ने एक बार फिर बाराबंकी के दबदबे को प्रदेश के पटल पर सिद्ध करके दिखा दिया है। बाराबंकी के साइंटर कॉलेज से 3 छात्रों ने उत्तर प्रदेश के टॉप 10 छात्रों में अपनी जगह बनाई है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 12वीं में प्रदेश टॉपर जनपद फतेहपुर की दिव्यांशी रही, जिन्हें 95.40% अंक प्राप्त हुए। वहीं 95% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह रहे। योगेश प्रताप सिंह बाराबंकी जिले के रामसनी घाट के क्षेत्र के रहने वाले हैं। वह बाराबंकी जिले के लखपेड़ा बाग स्थित श्री साई इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। योगेश प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करके कॉलेज और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। योगेश सिंह की अगर बात करें तो योगेश ने बताया कि वह ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने बताया कि उनका बचपन हमेशा से संघर्ष को देखते हुए गुजरा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में वह IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। साथ सबसे बड़ी बात उनके गुरुजनों ने कही। उनके गुरुओं ने बताया कि उनके विद्यालय में एक विशेष प्रकार से शिक्षण व्यवस्था दी जाती है, जिसमें कमजोर छात्रों को अलग से बिठाकर उनको शिक्षा दी जाती है। वहीं ऐसे छात्रों को भी टेस्ट के माध्यम से चयनित करते हुए अग्रिम शिक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में कुल 85.33% छात्र पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में छात्राओं का जलवा रहा है। 90.15% छात्राएं भी उत्तीर्ण हुई हैं। 81.21% छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कों की तुलना में 8.94% अधिक छात्राएं पास हुई। वहीं 2021 कोविड कॉल में 97.47% छात्र तो 98.4% छात्राएं पास हुई थी। फतेहपुर जनपद की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ यूपी टॉप किया है। बाराबंकी के लखपेड़ा बाग स्थित श्री साई इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले योगेश प्रताप सिंह ने 95% के साथ यूपी में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं प्रयागराज की अंशिका यादव को भी दूसरा स्थान मिला है। इन्होंने भी 95% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं फतेहपुर के बालकृष्ण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बाराबंकी के साई इंटर कॉलेज के अभिमन्यु वर्मा ने 94% अंकों के साथ यूपी में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं इसी विद्यालय के प्रवीण कुमार ने 93.40% अंकों को हासिल करके प्रदेश में छठा स्थान हासिल किया है। छात्रों का रिजल्ट आने के बाद कॉलेज और परिवार में खुशी का माहौल। मैंने सोचा कि मेरे को BU में एडमिशन लेना है और ऑनर्स इन मैथमेटिक्स करके फिर UPSC में मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके UPSC में डालना है। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, अब IAS बनना चाहते हैं, क्यों ऐसा क्या सबके अपने जिसको जिसमें इंटरेस्ट आता है। अच्छा, घर में कौन कौन से लोग हैं ये बताइए। घर में सर मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं और मेरी एक जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरी 7 बहनें और हम लोग मिला के 4 बहन। फादर क्या करते हैं। मेरे फादर स्टूडेंट हैं। बताइए खेल कौन सा पसंद है। सर खेल क्रिकेट। अच्छा, मोदी जी आपको कैसे पसंद, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं। सर कुछ खास नहीं कह सकते, बस सब में कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो पसंद भी है कुछ चीज़ों में ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो नेता बनना पसंद करेंगे कि और भी कुछ बनना होगा। नेता आपको अच्छा कौन लगता है। सबका कैरेक्टर अच्छा है, बस जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। यहाँ के टीचर्स के बारे में क्या, जब पढ़ रहे थे किस तरह से आपको पढ़ाया, क्या किस तरह से अपने पढ़ाई की। टीचर यहाँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क से बच्चे परिणाम आए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होती थी कि अगर आप कहीं साइड बुक से क्वेश्चन ला रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी ला रहे हैं, तो टीचर बेझिझक अपना पीरियड होने के बाद भी कुछ टाइम निकाल करके आपको बताते हैं। तो आपके घर में आप बड़े हैं क्या, आपसे और भी। हमसे 3 भाई हमसे बड़े हैं और 7 बहनें हैं, वो भी हमसे बड़ी जॉइंट फैमिली। और वो 12 बंकी हुआ करें।